Hello, bachche, let's read the question. Match the following from list 1 in the case of gases with those in the list 2. Okay, so yahan pe hum dekh sakte hain list 1 mein work done diya hua in different processes, isobaric process, isothermal, adiabatic. Aur list 2 mein unke formulas given hai. Theek hai, to hume check karna hai kaun sa kisse match kar raha hai. Dekho, sabse pehle isobaric process. Isobaric process kya hota hai? Jisme hamara pressure constant rahe, pressure constant. Theek hai. और इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू में चेंज इन वॉल्यूम वी टू माइनस वी वन. ठीक है, अगर वॉल्यूम हमारी वी वन से वी टू चेंज हो रही है तो जो वर्क डन होता है आइसोबारिक प्रोसेस में दैट इज पी वी टू माइनस वी वन, जो कि हम देख सकते हैं क्यू से मैच कर. उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है. तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मान लो हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वॉल्यूम वी टू, तो हमारा जो वर्क डन होता है दिस प्रोसेस दैट वुड बी इक्वल टू, ये हमारा होता है एन आर टी लॉग ई वी टू बाय वी वन. ये हमारा वर्क डन होता है बाय द गैस इन द एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी वन टू वी टू. ये हमारा फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो. ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारा जो ना तो हीट हमारी एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है बाय द सिस्टम. ठीक है, हमारा नेट चेंज इन द हीट क्या होता है, हमारा जीरो होता है. राइट, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी होगी पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है. राइट, तो इस केस में जो हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन इन द एडियाबेटिक अगर एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन आता है दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस कामा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन. ठीक है, अगर अगर आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना हो कि टी वन के टी वन टी टू की टर्म्स में, ठीक है, टेम्परेचर टी वन से टी टू हो रहा है, तो यहाँ से हम पी टू वी टू को हम लिख सकते हैं एन आर टी टू और पी वन वी वन को लिख सकते हैं एन आर टी वन. तो ये हमारी इक्वेशन आई थी वन अपॉन वन माइनस कामा एन आर बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, हो जाएगा टी टू माइनस टी वन. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे देख सकते गामा माइनस वन के टर्म से देखा है तो माइनस यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ये वाली चीज़ टर्म बन जाएगी एन आर टी वन माइनस टी टू, नीचे हो जाएगा गामा माइनस. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा ये वाला फॉर्मूला रहता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि हम देख सकते हैं किससे मैच कर रहे हैं, आर से मैच कर रहे हैं. ठीक है, आइसोथर्मल वाले मैच कर रहे हैं पी से. यह क्यू पी आर जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये काफ़ी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, मतलब ये आपको ये ऑलरेडी इस फॉर्मूला ध्यान होंगे, ये जो हम वर्क डन हम निकालते हैं आइसोथर्मल आइसोबैरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.